ना क्लासरूम है, ना लाइब्रेरी है, ना हाथ में किताब है। समान शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन कहने लायक कुछ है ही नहीं देश के बहुसंख्यक युवा के हाथ में, तो कैसे कह दे कि हमारे पास शिक्षा है? वही युवा जो शिक्षा मांग रहा है, रोजगार मांग रहा है, उसके हाथ में तलवार थमा दी जा रही है, त्रिशूल थमा दिया जा रहा है, कांवड़ थमा दिया जा रहा है। देश के सरकारी स्कूल के युवा है जो आज के समय के एकलव्य है, आज के समय के शंभुक है, उनका अंगूठा आज भी काटा जा रहा है। कुछ दिन पहले हरियाणा में 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स ने स्वीपर के पदों के लिए अप्लाई किया। ये तो हमारे देश की हालत है। गांव में पढ़ने वाले, स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले छात्रों को कभी भी DU, JNU और बेहतर यूनिवर्सिटीज के बराबर की पढ़ाई मिल पाएगी? इनके बच्चे शाखा में नहीं जाते हैं पढ़ने, शाखा लगाने भी नहीं जाते हैं, तो कौन जाता है इस देश का? वो बच्चा जो क्लास में जा रहा है तो सीटें नहीं है, बेंच नहीं है, एक क्लासरूम में दो विषयों की पढ़ाई कराई जा रही है कि हम तुम्हें पंचर जोड़ना, कार रिपेयर कराना, ये सब सिखाएंगे स्किल बेस्ड एजुकेशन के नाम पर। हर साल शिक्षा के बजट पर कटौती हो रही है। जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। क्रांतिकारी युवा संगठन जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक संगठन है, तो सभी के लिए समान शिक्षा KG से PG तक लेकर एक समान शिक्षा सुनिश्चित करेंगे, इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उनकी मांगे हैं और क्या क्या बातें मैम क्या कहना चाहेंगे? आज इस जॉइंट कॉल पर यहाँ पर प्रदर्शन के लिए हमने एक मार्च का कॉल दिया था कि मंडी हाउस से जंतर मंतर तक हम मार्च करेंगे, लेकिन इस देश में अगर आप सरकार की चाटुकारिता वाला कोई भी कार्यक्रम बिना परमिशन के करना चाहते हैं तो आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वहीं बड़े संवैधानिक तरीके से आप अपना आक्रोश, अपना विरोध, अपनी मांगे दर्ज कराना चाहते हैं तो आपको परमिशन नहीं मिलती है। मजबूरन हमें यहाँ पर अपना प्रदर्शन सीमित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस देश में आज हमारे पास इतनी तकनीक है, इतनी काबिलियत है कि हम चांद पर जाकर रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी काबिलियत नहीं है कि इस देश की राजधानी में जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो सुबह 4 बजे उठती हैं पानी के टैंकर भरने के लिए, बड़ी मेहनत से घर का काम धंधा करके किसी तरह स्कूल पहुंचती हैं, उनके हाथों में किताब दे पाने की हमारे शिक्षा व्यवस्था की और सिस्टम की अभी तक नियत और काबिलियत नहीं डेवलप हो पाई है। आपको दिल्ली के सरकारी स्कूल, देश की राजधानी के सरकारी स्कूलों की हालत बता देती हूँ। अभी पिछले जो गर्मी की छुट्टियां गुजरी हैं मई जून के महीने में, छात्रों को अप्रैल में एडमिशन मिला है, लेकिन उनके हाथ में उनकी किताबें अगस्त के महीने तक उनकी किताबें नहीं आई हैं। ये तो हाल है। हमसे कहा जाता है कि हमारे पास एक फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है। अरे 8वीं तक किसी तरह जो बच्चियां पहुंच पाती हैं, जो गरीब बच्चे पहुंच पाते हैं, उनकी 8वीं के बाद उनको सरकारी शिक्षा से, फॉर्मल एजुकेशन से बेदखल कर दिया जाता है। बड़ी मुश्किल से कोई छात्र जो 12वीं तक किसी तरह पहुंचते हैं, 12वीं के बाद शिक्षा से उनकी 13वीं कर दी जाती है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय देख लीजिए, हर साल उन्हीं सीमित 60,000 से 70,000 सीटों पर दाखिले होते हैं, और जो देश के सरकारी स्कूल के युवा हैं, जो आज के समय के एकलव्य हैं, आज के समय के शंभुक हैं, उनका अंगूठा आज भी काटा जा रहा है। ओपन इंस्टीट्यूट्स में 400% एनरोलमेंट में वृद्धि हो रही है, और उसको हमारी सरकार बता देती है कि देखिए हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट रेशियो बढ़ रहा है। अरे आप एक बात बताइए, ना क्लासरूम है, ना लाइब्रेरी है, ना हाथ में किताब है। समान शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन कहने लायक कुछ है ही नहीं देश के बहुसंख्यक युवा के हाथ में, तो कैसे कह दे कि हमारे पास शिक्षा है? वही युवा जो शिक्षा मांग रहा है, रोजगार मांग रहा है, उसके हाथ में तलवार थमा दी जा रही है, त्रिशूल थमा दिया जा रहा है, कांवड़ थमा दिया जा रहा है। साफ सी बात है, इस देश का वो युवा, अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स ने स्वीपर के पदों के लिए अप्लाई किया। ये तो हमारे देश की हालत है कि हमारी यूनिवर्सिटी में ऑटोनॉमस कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर जैसे कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं, और सरकारी स्कूल से निकलने वाले अधिकांश छात्रों को 12वीं के बाद हायर एजुकेशन में सरकारी औपचारिक उच्च शिक्षा से बेदखल कर दिया जा रहा है। हम यहाँ से ये मांग बड़े लंबे समय से देश के युवाओं से, कोनों कोनों से उठती हुई आ रही है कि KG से लेकर PG तक समान शिक्षा दीजिए सबको, और जब तक आप नहीं दे सकते तब तक हमारी ये मांग है कि सरकारी स्कूल से पास होने वाले सभी छात्रों को देश के जो उच्च सरकारी शिक्षण संस्थान है उनमें सभी में 85% रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए। सरकारी स्कूल के छात्रों का सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों पर पहला अधिकार होना चाहिए, और UGC के प्रावधान 12B के तहत सभी यूनिवर्सिटीज को, जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बराबर UGC से फंड मिलना चाहिए। वरना हम एक बात बताइए, कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आरा में, देश के अलग अलग कोनों में, गांव में पढ़ने वाले, स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले छात्रों को कभी भी DU, JNU और बेहतर यूनिवर्सिटीज के बराबर की पढ़ाई मिल पाएगी? उसके साथ ही साथ हमें ये मांग भी उठानी पड़ेगी कि आज हेफा से लोन लेने के लिए यूनिवर्सिटीज को मजबूर किया जा रहा है, हेफा को रद्द किया जाए। अरे यूनिवर्सिटी और कॉलेज क्यों लोन लेकर देश के गरीबों को पढ़ाएंगे?
साफ सी बात है कि पूरे जो बचा कुचा सरकारी शिक्षा का तंत्र है उसको बेचकर अंबानी अडानी के सुपुर्द करके शिक्षा को केवल एक अभिजात तबके की जागीर बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। यहाँ से हमारी अपील है, ये फी हाइक, ये जो सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक सरकारी वित्त पोषित शिक्षा को, इसको जो अनौपचारिकरण, निजीकरण और बाजारीकरण की जो लगातार कोशिशें की जा रही सरकार की, उस पर लगाम लगाया जाए, हेफा को स्क्रैप किया जाए, एनटीए को डिसबैंड किया जाए, सभी छात्र केजी से लेकर पीजी तक उनको समान पब्लिक फंडेड एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन का उनको जो बुनियादी उनका हक बनता है वो हक उनको दिलाया जाए। सरकार कहती है कि हमने पहली से लेके जो है 12वीं तक को सभी को समान शिक्षा दे रहे हैं, उनको मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, कई राज्य सरकारें करी, लेकिन एनसीआर की बात करें, देश में जो है निजी प्राइवेट कॉलेज बहुत खुल रहे हैं। देखिए एक बात बताइए, वही देश के नेता जो बड़ा बड़ा ये दावा कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल छोड़ दीजिए, वो आम प्राइवेट स्कूल भी अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, वो भेजते हैं तो कॉन्वेंट में अपने बच्चों को भेजते हैं और 12वीं के बाद विदेश पढ़ने भेजते हैं। इनके बच्चे शाखा में नहीं जाते हैं पढ़ने, शाखा लगाने भी नहीं जाते हैं, तो कौन जाता है इस देश का? वो बच्चा जो क्लास में जा रहा है तो सीटें नहीं है, बेंच नहीं है, एक क्लासरूम में दो विषयों की पढ़ाई कराई जा रही है। अरे अभी आपको आंकड़ा बता देती हूँ, 9वीं और 11वीं के आप आंकड़ा अगर उठाकर देख लेंगे पिछले सालों का, तो हर साल उसमें जो फेल होने वाले छात्र हैं उनका परसेंटेज हर साल बढ़ रहा है, और जो पास परसेंटेज बढ़ाया हुआ बताया जा रहा है 10वीं 12वीं में, वो कैसे बढ़ रहा है मैं आपको बता देती हूँ। स्किल बेस्ड कोर्सेज के नाम पर कहीं ब्यूटी एंड वेलनेस, कहीं कार रिपेयर, फोर व्हीलर रिपेयर जैसे कोर्सेज सिखाकर छात्रों को उनके मार्क्स ऐड करके छात्रों का पास परसेंटेज दिखाया जा रहा है। अरे 12वीं पास करने वाले गरीब सरकारी स्कूल के छात्रों को जब SOL में, ओपन लर्निंग में, दूरस्थ शिक्षण संस्थानों में ढकेल दिया जा रहा है, उन शिक्षण संस्थानों को एक रुपया फंड नहीं मिलता है सरकार से, पूरी तरह अपनी फीस से वो उस संस्थानों को चलाते हैं, और उसके बाद उन संस्थानों में उनको बताया जाता है कि हम तुम्हें पंचर जोड़ना, कार रिपेयर कराना, ब्यूटी पार्लर चलाना, ये सब सिखाएंगे स्किल एंड वेलनेस, स्किल बेस्ड एजुकेशन के नाम पर। तो साफ तौर पर देश के गरीबों को, वंचित तबके से, आशियाए तबके से आने वाले छात्रों को गरीब बने रहने, सस्ता मजदूर बने रहने इस व्यवस्था में उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, और इस देश का जो अभिजात तबका है सिर्फ उसी के लिए बेहतर शिक्षण संस्थान हासिल कर पाने की सारी कोशिशें की जा रही हैं। एक बात बताइए, अगर मेरे जेब में पैसा नहीं है, अगर मैं किसी अमीरजादे के घर में नहीं पैदा हुई हूँ, लेकिन मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, मैं इस देश की अगर सच में बेटी हूँ, तो मेरा यह हक बनना चाहिए कि किंडरगार्टन, केजी से लेकर पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुझे बराबर सरकारी समान फॉर्मल एजुकेशन का मुझको अधिकार होना चाहिए। और जब तक नहीं होता है तब तक हमारी ये डिमांड है कि सरकारी स्कूल के छात्रों को सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में 12वीं के बाद 85% रिजर्वेशन दिया जाए, उन्हें वरीयता दी जाए। उसके अलावा ये सुनिश्चित किया जाए, अगर हम दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें, हम लंबे समय से डिमांड उठा रहे हैं, जब तक नए कॉलेज नहीं खोलते, सभी कॉलेज में आप इवनिंग शिफ्ट चलाइए, इवनिंग शिफ्ट में कॉलेजेस शुरू करिए, ताकि, और जैसे केवल दिल्ली की बात करें तो यहाँ के जो गरीब, बजट जो है सालों, मतलब कि पूरे देश के नागरिकों से हजारों करोड़ टैक्स लिए जाते हैं, लेकिन अभी भी बजट पर जो है शिक्षा के नाम पर बहुत ही कम प्रतिशत खर्च किया जा रहा है। हर साल शिक्षा के बजट पर कटौती हो रही है, इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने अमृतकाल में पहुंच गए हैं। आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। स्कूलों, देखिए उल्टी गंगा बह रही है हमारे देश में, जहाँ पर स्कूलों को सुधारने की जरूरत है, नए स्कूल खोलने की जरूरत है, वहाँ स्कूलों का मर्जर हो रहा है। जो स्कूल खराब हालत में हैं उनको बेहतर करने की बजाय, उनको दुरुस्त करने की बजाय उन्हें बंद कर दिया जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि आप जब पूरा सब कुछ ये शिक्षा व्यवस्था देखती हैं, जो भी नई शिक्षा पॉलिसी भी आई है मोदी सरकार में, तो जब आप ये सारा होल देखती है, तो आपको क्या लगता है सरकार क्या चाह रही है, किस प्रकार की शिक्षा नीति के साथ हम, ये देश का जो युवा है किधर बढ़ेगा? ऐतिहासिक तौर पर इस देश में सबको शिक्षा का अधिकार, समान अधिकार नहीं मिला है। इस देश के वंचितों ने, शंभुकों ने, एकलव्यों ने लड़कर अपने अधिकार जीते, और हर कदम पर सरकार ने, व्यवस्था ने केवल उन्हें छीनने का काम किया है। आज भी देश के जो युवा हैं अलग अलग कोने में यही मांग उठा रहे हैं कि हम अपने ही पैसे से, हम जो पैसा सरकार को दे रहे हैं, सरकार कोई अपनी जेब से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, सरकारी स्कूल नहीं चलाती है, देश की जनता के पैसे से चलाती है। और कितनी शर्म की बात है कि उसी जनता को
आठवीं के बाद निकाल दिया जाता है सरकारी शिक्षा से, फॉर्मल एजुकेशन से, बारहवीं के बाद उसकी तेरहवीं हो रही है, और हायर एजुकेशन में सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, जिस पर सबसे पहला अधिकार उस जनता का होना चाहिए, वहां तक वो पहुंच ही नहीं पा रहे। साफ तौर पर हम जानते हैं कि बेहतर शिक्षा से बेहतर जीवन जी पाने की संभावना के द्वार खुलते हैं, लेकिन ये बात हमारी सरकारें जानती हैं, ये बात हमारे पूंजीपति जानते हैं, इस देश का जो भी डोमिनेंट सेक्शन है वो जानता है, और इसीलिए बहुसंख्यक जनता से वो शिक्षा का जो अधिकार है उसको वंचित रखना चाहता है, उसको छीनने रहना चाहता है। लेकिन इस देश की जनता, इस देश के युवा उन अधिकारों को लड़कर जीतना जानते हैं, छीनना जानते हैं। हम इस देश की राजनेताओं की जो भटकावे की और भड़कावे की राजनीति है कि आप हाथ में कमंडल लेके, आप हाथ में त्रिशूल और कांवड़ लेके केवल धर्म धर्म करते रहें, ऐसा इस देश का युवा ना चाहता है, ना आपको करते हुए दिखाई पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि इस देश का युवा आज अपने अधिकार के लिए जागृत है, और बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से ये नारा या आवाज बुलंद होगी कि बुनियादी तौर पर जब तक आप केजी से पीजी तक हमें बराबर शिक्षा का अधिकार, समान फॉर्मल पब्लिक फंडेड एजुकेशन का राइट नहीं दे रहे हैं, तब तक आपको सरकारी स्कूल के छात्रों को 12वीं के बाद 85% रिजर्वेशन आपको देना पड़ेगा, सभी हायर एजुकेशन जो सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस देश के सबसे हाशियाए वंचित समुदाय से आने वाले, इस गैर बराबरी की सीढ़ी में सबसे निचले पायदान पर हमारे देश में जो छात्र और युवा आता है, जो बच्चा आता है, हर वो बच्चा स्कूल तक पहुंच पाए, कॉलेज तक पहुंच पाए, गरीबी के कारण, पिछड़ेपन के कारण वो स्कूल से शिक्षा से वंचित नहीं रह जाए, उसके लिए हम सब मिलकर संघर्ष करें। अच्छा, कहा जाता है कि एक अभिजन क्लास पॉलिसी होती है, इलीट क्लास पॉलिसी, तो क्या आप इस बात को समर्थन देती हैं कि ऐसा होता है कि जानबूझकर सरकारें ऐसी नीतियां बनाती हैं कि जो अभिजन में, जो इलीट में है, वो लोग ऊंचे के ऊंचे बने रहे और नीचे तबके के जो लोग हैं नीचे बने रहे। एक बात बताइए, अगर सबसे पहले हर साल अगर बजट के फंड, बजट जो शिक्षा का है उसमें कटौती हो रही है, तो ये शिक्षा का कौन सा बजट है? ये शिक्षा पर जो सरकार खर्च करने के लिए एक जिम्मेदारी अपनी बताती है, उसी के बजट में कटौती है, तो सबसे पहले तो यही संकेत पता चल जाना चाहिए, हमारे लिए काफ़ी है कि सरकार नहीं शिक्षित करना चाहती है बहुसंख्यक जनता को। उसके बाद आप देख लीजिए, चाहे NEP के जो अलग अलग प्रावधान है कि यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी की जितनी रैंक आगे होगी और यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज की जितनी रैंक आगे होगी उसी को उतना लोन मिलेगा और फंड मिलेगा UGC से, बाकियों को HEPA से लोन लेना पड़ेगा। अरे शिक्षा लोन के भरोसे छोड़ने का मतलब यह है कि कौन लोन ले सकता है और कौन फीस पे कर सकता है। एक बात बताइए, जो दिन दिहाड़ी के लिए मजबूर है, जो फैक्ट्री में काम करती है महिला, जो आदमी काम करता है, जो अपने बच्चे के लिए 3 वक्त का खाना, जिसके लिए इलाज सुनिश्चित करना मुश्किल है, वो क्या लाख लाख रुपए की फीस देकर अपने बच्चे को प्राइवेट यूनिवर्सिटी भेज पाएगा? क्या नहीं भेज पाएगा? और इस देश में पहले से ही सिस्टम ऐसा है, CUET लाया जाता है, FYUP लाया जाता है कोचिंग सेंटरों में। अरे चाइना को देख लीजिए, हमसे कहा जाता है कि हम चाइना से बहुत बेहतर कोशिशें कर रहे हैं, चाइना कितने मामलों में हमसे पीछे। अरे चाइना ने भी कोचिंग सेंटर्स बैन किए हुए हैं, हमें कितना रियलाइजेशन लगेगा ये बात समझने में कि हम कोचिंग सेंटर्स के भरोसे अपने देश के युवा की शिक्षा को छोड़ रहे हैं? इसका साफ मतलब ये कि जिसके जेब में पैसा है वो कोचिंग सेंटर में पैसा देके पढ़ सकता है, जिसके पास नहीं है वो चुपचाप आठवीं के बाद ही मजदूर, गरीब मजदूर बना रहे, जूता चप्पल जोड़ता रहे, और अगर सरकारी स्कूल में आ जाएगा तो हमारी सरकार उसको स्किल बेस्ड एजुकेशन के नाम पर जूता चप्पल जोड़ना सिखाएगी, ब्यूटी एंड वेलनेस सिखाएगी, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम युवा इस देश के मिलकर वंचित से वंचित समुदाय से तबके से आने वाले छात्र और छात्रा के लिए मिलकर उसकी बराबर शिक्षा का अधिकार केजी से पीजी के लिए हासिल करेंगे। मैम, आपने हमसे बात की, बहुत। तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो KYS के, जो युवा संगठन के जो लोग हैं DU के प्ले कार्ड के साथ यहाँ पे आए हुए हैं और समान शिक्षा पद्धति के लिए लागू करने के लिए पूरे देश में KG से PG तक सभी को जो है एक मुफ्त और एक समान शिक्षा लागू करने के लिए सरकार से डिमांड कर रहे हैं, एक समान शिक्षा की मांग कर रहे हैं। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पर? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएँ। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।